आज प्रधान जी और मैं जब सुरेश भाई अपना भाषण दे रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे कि कैसे 22 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गांव में एजेंट कर नहीं पा रही थी, तो बैठ गया थोड़ा और बोल। हम भगवान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है, तो अंतर नहीं पता। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भिटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि मोना कहाँ है, पर मोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी मुझ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुनी है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए, अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। आज हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हनुमान जो प्रभु भक्ति का सबसे बड़ा सौभाग्य का संकेत है, पुरुषार्थ का संकेत है, समर्पण और संस्कार का, जो हम सबको जीवन में एक पथ दर्शाते हैं, ऐसे प्रभु की कृपा हम सबके परिवारों को सुरक्षित करने में रहे, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में वंदन करती हूँ और आज सभी भक्तों का अभिनंदन करती। लेकिन आज प्रधान जी आपने और अतुल जी ने दोनों ने चर्चा की कि वोट की श्रृंखला किस तरह हमें बढ़ानी। आज हम मात्र वोट के लिए नहीं, लेकिन दो तीन और बातों के लिए भी सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप जैसे कितने लोग जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इतने लोग पढ़े? जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अथवा हनुमान चालीसा सुनते, कोई आपके घर में, अगर आप दुकान में हैं तो दुकान में मारपीट तो नहीं होती ना? यही जगदीशपुर वो क्षेत्र है जहां पर जब राहुल गांधी सांसद थे तो जगदीशपुर में मंदिर में घंटी बजाने के बाद झगड़ा हो जाता है। आज जी यहाँ बैठे हैं, ये वही जगदीशपुर क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस के दलाल और गुंडे गांव गांव गली गली जाकर मंदिर में जाने वाले भक्तों को प्रताड़ित करते हैं। सही कह रहे हैं? छोटों को तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके जमाने में आपने ये सारा संघर्ष देखा है। आप सब जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा हनुमान जी मात्र सुन रहा था और गुंडों ने आकर उसे बेरहमी से पीटा। आज जहां कांग्रेस का राज है, वहां एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता। आप सबने राजस्थान की घटना देखी, राजस्थान में भी एक साधारण परिवार के हिंदू व्यक्ति का जो दर्जी का काम करता था उसका गला काट कर उसकी हत्या करी जाती है। और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ और चढ़कर नहीं होती। इसलिए आप सुरेश जी, विषय मात्र वोट का नहीं, विषय हर व्यक्ति की सुरक्षा का है, समाज के संरक्षण का है। इसीलिए जो समाज को संरक्षित रखना चाहते हैं, वो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नोमाडी में कमल का बटन और जगदीशपुर में कमल का बटन दबाएंगे। आगे मेरा जनता दरबार का साक्षी, नरेंद्र मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब कोरोना की महामारी आई, तब नरेंद्र मोदी ने हर गरीब नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए कोरोना के टीके की व्यवस्था कर दी। यहाँ कितने लोगों ने टीका लगाया है कोरोना?
तब लगाए वहां जो छात्रों बैठे हैं आप नहीं लगाई थी कोरोना का टीका, कोरोना वाला टीका लगाए थे ना, वो लगाए नहीं। अब ऐसा है एक लगाए थे कि दो लगाए, दो ना। अब एक टीके की कीमत ज्यादा तो तीन बूस्टर के साथ लगाए, एक टीके की कीमत 600 रुपया, दो लगाएगा मतलब 1200 रुपया। और सच बतलाइए नरेंद्र मोदी ना होता तो क्या गरीब के पास अपने लिए टीके का 1200 रुपया था? नरेंद्र मोदी ना होते गरीब परिवार क्या मौत के घाट ना उतर था? नरेंद्र मोदी ने जब मुफ्त का टीका भिजवाया तब डॉक्टर ने टीका लगाने से पहले पूछा कौन जा रहे हो? नरेंद्र मोदी ने जब टीका भेजा तब क्या किसी गरीब से पूछा उसका धर्म क्या है? नरेंद्र मोदी ने जब टीका भेजा तब किसी से पूछा कि मोदी को वोट दिए हो कि नहीं दिए हो? सबको बिना पक्षपात के सबको कोरोना का टीका दिलवाया, सही कह रहे? अब जब से कोरोना हुआ आज तक नरेंद्र मोदी गरीब के यहाँ मुफ्त का राशन भेज रहे कि नहीं भेज रहे? सबको मिल रहा है मुफ्त का राशन। अब ये बताइए नरेंद्र मोदी ने कभी राशन देने से पहले पक्षपात किया? धर्म और जाति और वोट के आधार पर पक्षपात नहीं किया। हम तो सुरेश कहते हैं जो मोदी से अनाज पाते हैं कुछ लोग कांग्रेसी वही मोदी को गिर जाते हैं, जो कांग्रेस वाले मोदी से टीका भी पाए हैं। अब वो जनता के सम्मुख क्या मुकर देकर जाए? इसलिए आप सबके मैं सम्मुख ये कहने आई हूँ कि जिस मोदी ने पक्षपात की राजनीति नहीं की, जिस मोदी ने मेरे हारने के बाद भी क्षेत्र में विकास का काम लिया, अब हमारा दायित्व है कि ऐसे पुरुषार्थ करने वाले पुण्य व्यक्ति को नरेंद्र मोदी को 20 मई पोलिंग बूथ पर जाकर हम अपना वोट दे, उनको और मजबूत करें। आज ये जिम्मेदारी निभाने का हमारा अवसर है। आज जितने बड़े बुजुर्ग बैठे वो इस बात के साक्षी हैं कि अगर आज कांग्रेस का सांसद यहाँ होता तो गरीब का मुफ्त का टीका कांग्रेस का दलाल खाता। आज कांग्रेस का अगर यहाँ सांसद होता तो गरीब का राशन कांग्रेस का दलाल खा जाता। आज सब यहाँ साक्षी है कि जब कांग्रेस का सांसद था तब हर ब्लॉक में मात्र 20-25 ही कॉलोनी आती थी, सही कह रहे हैं, है ना? आज हम सब इस बात का गौरव कर सकते हैं मात्र जगदीशपुर ब्लॉक में 7825 गरीबों के आवास बने और पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमने 5 साल में 1,14,000 गरीबों के लिए घर बनाए। अब मेरी माता जी की तो सरकार नहीं है लेकिन राहुल जी की माता जी को तो थी, तो अगर मैं 5 साल में घर बनवा पाई इतने गरीबों का मोदी जी के राज में, तो 15 साल जब राहुल जी के पास पूर्ण सत्ता थी देश में प्रदेश में, तब वो क्यों नहीं गरीब का घर बनवाए? आज यहाँ पूरे क्षेत्र के सामने मुझे कहने में संकोच नहीं, जगदीशपुर ब्लॉक में 36,000 गरीब परिवार नरेंद्र मोदी सरकार से शौचालय पाए, सही कह रहे हैं? पूरे क्षेत्र में 4 लाख गरीब परिवार शौचालय पाए, प्रति परिवार अगर 4 लोग भी हैं तो इसका मतलब राहुल जी की जब यहाँ पर सत्ता थी तब 16 लाख लोग क्षेत्र के खुले में शौच करते, महिलाएं बैठी हैं बड़ों के सामने मर्यादा में बोली, खुले में शौच करने में कितनी महिलाएं अपमानित होती थी, कितनी महिलाएं बीमार पड़ती। राहुल गांधी को एहसास था क्या? प्रियंका जी को एहसास था? इसीलिए झल्लाए थे अपने कांग्रेस के नेता, क्योंकि अब जनता हिसाब मांग रही है, नाली नाली हम नापते हैं, जनता कांग्रेस को नाप रही है गांव गांव, सही कह रहा है क्या? फिर हम गए बंगाल, वायनाड को दूरा भी नहीं हुआ, अपने चुनाव लड़ने के लिए समर्थन जिसका ले रहे हैं, समर्थन लेते हैं आतंकवादी संगठन का। हमें भारत में ऐसे प्रदेश परिवार को आतंकवादी संगठन का क्यों समर्थन लेते हैं? हम सारे लोगों से अपील किए हैं
आतंकवादी संगठन का समर्थन ना ले चुनाव जीतने की फिर हम क्या बंगाल ये देखो हमारी मोदी टीम देखे हो तीन विभाग में नहीं पत्रकार क्यों पत्रकार ने बदला दिया कि ममता जी जो राहुल जी का समर्थन करते हैं उनकी पार्टी के लोगों ने संदेश थाली में जाकर एक एक हिंदू का घर चिन्हित किया तो हिंदू के घर में कम उम्र की बहुए कहाँ है उनको चिन्हित किया जाकर मंदिर में जाने वाले भक्तों को प्रताड़ित करते नहीं कह रहे छोटों को तो याद नहीं होगा लेकिन आपके जमाने में आपने ये सारा संघर्ष देखा है आप सब जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा हनुमान जी मात्र सुन रहा था और गुंडों ने आकर उसे बेरहमी से पीटा आज जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता है आप सबने राजस्थान की घटना देखी राजस्थान में भी एक साधारण परिवार के हिंदू व्यक्ति का जो दर्जी का काम करता था उसका गला काट कर उसकी हत्या करी जाती है एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।